हेलो फ्रेंड्स, संगीताज फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा भरा कबाब। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल भर के पालक लिया था। इसको मैंने पानी गरम करके और फिर मैंने गैस बंद कर दी और उसमें ये पालक डाल दिया। मैंने 5 मिनट के लिए ढककर रख दिया। ऐसा नहीं कि हमें बहुत पूरी तरह उबालना हो पालक, बस 5 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ना है, फिर पानी निकाल देना है। मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये 1 कप उबली हुई मटर है, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें एक हरी मिर्च है। ये 100 ग्राम करीब मैंने पनीर लिया है, ये पनीर मेरा होममेड पनीर है। ये ब्रेड क्रम्स, ये 2 बॉईल किए हुए आलू। अब हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं और पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं और ये उबली हुई मटर और पालक को एक मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने आलू कद्दूकस कर लिए हैं, ये हम डाल देंगे इसमें। ये पनीर कद्दूकस कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। और ये मटर और पालक का मैंने महीन पेस्ट बना लिया था, इसको भी डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च जो मैंने महीन महीन काटे थे ये भी डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स अभी हम आधे डालेंगे, फिर हमें जरूरत लगेगी तो हम और डाल लेंगे। एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे, एक चम्मच भुना जीरा डालेंगे, पिसा हुआ जीरा, एक से दो चम्मच चाट मसाला डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मटेरियल को चख लें, टेस्ट कर लें। अगर आपको मसाले कम लगते हैं तो आप इसमें और मसाले ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे ब्रेड क्रम्स बच गए हैं, मैंने आधे ही डाले हैं क्योंकि मेरा मिक्सर है वो ड्राई हो चुका है, इसमें नमी नहीं है। अगर आपको लगता है आपके मिक्सर में नमी है तो आप ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हमारे मिक्सर की नमी को सोख लेते हैं। मिक्सर में नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। और हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मटेरियल तैयार हो चुका है हमारा, हम थोड़ा सा हाथ चिकना करेंगे। अब थोड़ा सा मटेरियल हाथ पे लेके इसको गोल शेप देंगे, बिल्कुल साइड से हमें चिकना करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं कबाब। और एक हाफ काजू का टुकड़ा लेंगे, इस पर इस तरह से इसको लगा देंगे। ठीक है, एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा गोल करते हुए फिर उसको हल्का सा चपटा कर देंगे। ये काजू का टुकड़ा लगा देते हैं, बस इसी तरह से हम अपने सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तैयार कर लिए हैं और हम इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं।
ये मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने ऑयल इतना ही डाला है जिससे कि बस कबाब हमें सेकनी है, डीप फ्राई नहीं करनी है, थोड़ा ही डाला मैंने ऑयल। और हमें थोड़ा सा मिर्च, अभी सिकने देते हैं हम इनको। हम इनको पलट देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। एक बार में 3 से 4 ही कबाब सेकेंगे, एक साथ में डालेंगे सारे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लिया। अब हम इनको निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ से भी सेक चुके हैं हमारे। देखिए नैपकिन पेपर पे निकाल लेती हूँ इनको। ये देखिए मैंने इनको निकाल लिया है नैपकिन पेपर पे। अब हम बाकी के भी अपने सेलो फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे हरा भरा कबाब। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। बस आप इनको बनाते समय 2-3 बातों का ही ध्यान रखें, जैसे कि जब आप आलू बॉईल करें तो आलूओं में पानी नहीं जाना चाहिए, और मटर और पालक में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। हमारा मटेरियल जितना ड्राई बनेगा उतना ही अच्छे बनेंगे हमारे कबाब। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट से। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।